सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए, आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित स्वाख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित हुए श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। आज हम जिस जातक कथा का उपदेश सुनने वाले हैं, कहानी सुनने वाले हैं, वो याद कर करके ही हंसी आ रहा है। थोड़ा मूर्खों का ये जातक कथा है। तथागत बुद्ध भी कहते हैं, अस्सेव नाच बालानं ये तंग मंगलमुत्तमं। मंगल सूत्र में मूर्खों का संगत ना करना ये मंगल है, ऐसा उपदेश दिया है। और ऐसा भी कहा गया है कि मूर्ख लोगों को मित्र बनाने से भी शत्रु लोग, जो पंडित है ना, वो शत्रु हो तो भी अच्छा है। क्योंकि मित्र कितने भी अच्छा करने की कोशिश करे गलती कर जाता है। और शत्रु लोग कितना भी शत्रु हो इतना गलत नहीं करता। इसलिए मूर्ख मित्र से भी पंडित शत्रु उत्तम है। अभी मूर्ख कैसे कैसे लोग होते हैं आज हम जातक कथा में देखेंगे। ये जातक कथा त्रिपिटक के सुतपिटक अंतर्गत खुदक निकाय के एक जातक ग्रंथ है। और जातक में उल्लेखित जो पाली गाथा है उसका व्याख्या किया हुआ ये जातक अट्टकथा ग्रंथ है। तो ये जातक अट्टकथा ग्रंथ के आज हम बात करेंगे मकस जातक। मकस जातक, मकस बोले तो मच्छर, जो आते हैं ना मच्छर काटने के लिए, वो है ना चिल्ला चिल्ला के काटने के लिए रात को आता है ना, तो वही मच्छर के विषय में ये कहानी है मकस जातक। मूल पाली ग्रंथ अनुसार ये जातक कथा अभी हम शुरू करते हैं। उस समय ये जो जातक कथा है महाकारुणिक तथागत बुद्ध ये मगध देश के कोई एक गांव में रहते समय ये उपदेश दिया था, ये जातक कथा का उपदेश दिया था। अभी वर्तमान समय में क्या हुआ, तथागत बुद्ध धम्म प्रचार प्रसार के क्रम में श्रावस्ती से मगध की तरफ चलते हैं और मगध में भी चलते चलते एक गांव में पहुंचते हैं। और वो गांव ऐसा है, वो गांव बोले तो लोग रहते हैं, कहीं गरीब गरीब लोग रहते हैं, कहीं किसान लोग रहते हैं, कहीं धनी धनी लोग रहते हैं, हर तरह के लोग रहते हैं। मगर तथागत बुद्ध जो ये गांव में पहुंचा वो गांव है ज्यादातर वहां मूर्ख लोग रहते हैं, मूर्ख लोग उस गांव में रहते हैं। एक समय
वो गांव के लोग अभी चर्चा करते हैं, सब लोग इकट्ठा होके चर्चा करते हैं, अरे ये गांव से हम जंगल में जो काम करने के लिए जाते हैं ना, तो हमेशा मच्छर हमें बहुत ही तकलीफ देता है, मच्छर हमें काटते रहते हैं, जैसे सुई चुभते हैं ना वैसा ही बहुत दर्दनाक काटते। अब ऐसा करेंगे, हम मच्छरों से युद्ध लड़ेंगे, हाथ में तरवार धनुष जो भी आए वो लेके जंगल में जाएंगे और मच्छर एक एक मच्छर को काटेंगे, फाड़ेंगे, मारेंगे। गांव के लोग है ना अभी चर्चा करने लगे, मच्छर बहुत दुख दे रहे, अभी हम मच्छर से युद्ध करेंगे, सबको मार डालेंगे। तो ये बात सुन के सब लोग कहने लगे, हाँ ये ठीक है, मच्छर तो हमें बहुत तकलीफ देता है, ठीक है हम मच्छरों से युद्ध करेंगे, मच्छरों को मार डालेंगे। फिर वो लोग क्या करते हैं, ये मूल पाली ग्रंथ अनुसार ही, हाँ फिर वो लोग क्या करते हैं, सारे लोग हाथ में हाथ हथियार लेके तरवार धनुष बाण लेके जंगल में गए। अब जंगल में बहुत सारा मच्छर है, अभी मच्छरों को काटने लगे है ना, मच्छरों को बाण मारने लगे। अभी मच्छरों को काटेंगे, मच्छर तो उड़ उड़ के लोगों की तरफ भी जाता है ना, वहां भी काट दिया लोगों को, लगा धनुष बाण मच्छर को देख देख के मार रहा है, लोगों को लग रहा है ना। तो ऐसा कर करके जितने लोग भी मच्छर से युद्ध करने के लिए गए, सारे के सारे घायल हो गया, यहाँ वहाँ गिरने लगे है ना। और घायल होके कुछ कुछ तो वहीं गिर पड़ा है, कुछ कुछ मुश्किल से आऊँ करते करते अपने गांव में आ गया, यहाँ वहाँ गिर पड़ा है, सब के सब घायल। मच्छरों से युद्ध करके आया ना, जंग लड़के आया, मच्छर को मारेंगे काटेंगे धनुष चलाएंगे करके खुद ही घायल होके यहाँ वहाँ पड़े रहे। उस समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध भी भिक्षु संघ के साथ चलते फिरते विचरण करते करते वही गांव में पहुंच गया, और तथागत बुद्ध वो गांव में भिक्षु संघ के साथ भिक्षाटन के लिए वो गांव की तरफ निकल पड़ा। तो कुछ पंडित लोगों को, जो मूर्ख नहीं है, ऐसे विद्वान लोगों को पता चला महाकारुणिक तथागत बुद्ध भिक्षु संघ के साथ यहाँ आए, और वही गांव जो मूर्खों का गांव है ना, वो गांव में भिक्षाटन के लिए जा रहे। तो वहाँ जाएंगे तो सब लोग काहिल पड़ा है, कौन भिक्षा देगा। तो जल्दी जल्दी सारे लोग मिलके गांव के जो द्वार है ना, हाँ वो द्वार में पूरा टेंट वेंट डाल के वहाँ पूरा भोजन दान महादान का आयोजन किया, बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघ को वहाँ भोजन का आयोजन किया। अभी तथागत बुद्ध आते आते अभी कहीं भी रास्ते में पड़ा है, घायल पड़ा है ना, तो वो सारा देख देख के फिर तथागत बुद्ध पूछते हैं कि यहाँ क्या कोई बड़ा ही बीमार आ गया, क्या महामारी आ गया, क्या हुआ, क्या था यहाँ। तो कहते हैं कि यहाँ गांव के लोग मच्छरों से युद्ध करेंगे करके जंगल में गए और खुद ही घायल होके यहाँ वहाँ पड़ा है। तो सारा वृतांत तथागत बुद्ध को कहते हैं। फिर तथागत बुद्ध है उपासक उपासिकाएं, ये ऐसे मच्छरों को मारेंगे करके अभी नहीं, पहले भी अपनों का हानि किया है, अपनों का प्राण घातक किया है। तो ऐसा कहने पे उपासक उपासिका कहते हैं, अभी का तो हमें पता है पर पहले का पता नहीं, कृपया करके हमें पहले की बातें बताए। फिर तथागत बुद्ध ठीक है करके यही मकस जातक कथा सुनाते हैं। अभी जातक कथा शुरू होता है। पहले पहले वाराणसी देश में ब्रह्मदत्त राजा राज्य कर रहे थे, उस समय बोधिसत्व एक व्यापारी कुल में जन्म हुआ। व्यापारी बोले तो यहाँ जाना वहाँ जाना, व्यापार करना है ना, पैसा कमाना और उससे जीविका करना। उस समय भी वहाँ जो काशी देश से वो सीमांत प्रदेश में, मतलब बॉर्डर के साइड में एक गांव रहता था। वो गांव में
अक्सर लोग जंगल में जाके लकड़ी काट के लाना और लकड़ियों का अनेक अनेक वो सामान है ना, टेबल ये वो जो भी है, ऐसे काम करके, बढ़ई का काम करके जीविका करने वाला एक गांव था। वो गांव में एक बूढ़ा इंसान भी था। अभी वो पहले से ही हाथ में कुरादी लेके जंगल में जाना, लकड़ी काट के लाना और उसी से जीविका करना यही चल रहा था। बूढ़ा हो गया फिर भी वो वही काम, क्योंकि दूसरा कमा के खिलाने वाला है नहीं। उसका एक पुत्र था, एक पुत्र था थोड़ा मूर्ख टाइप का। अभी सब मूर्ख ही मूर्ख ज्यादा है, वो भी बहुत ही मूर्ख, इसलिए ज्यादा काम भी नहीं करते, पैसा भी नहीं कमाते, इसलिए वो खुद ही जंगल में जाना, कुरादी लेके लकड़ी काटना, लकड़ी छीलना और वो लकड़ी के सहारे जीविका करना, ऐसा चल रहा था। अभी बूढ़ा हो गया, बूढ़ा होने के बाद बाल भी चढ़ जाते हैं ना, और उसका सर तो ऐसा था जैसे वो कांच का थाली रहता है ना, उसके नीचे कितना वो एकदम क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही तकलो एकदम चिल्लर होता है ना, वैसा ही उसका भी सर पे एक भी बाल नहीं था, एकदम तकलो एकदम चिकना उसका सर। तो एक दिन जंगल में जाके हाथ में कुरारी लेके वो लकड़ी का काम कर रहा था, पेड़ काट रहा था, ऐसे समय में अभी जंगल में एक मच्छर आया और उसको काटने लगा। अभी ऐसे टकलू है ना, एक ऐसे चिकने सर पे मच्छर सुई जैसा अपना जो सूंड है ना वो ऐसा डस के काटा, तो उसको बहुत दर्द होने लगा। अभी वो काम कर रहा है, बार 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 उसको हटा रहा है, वो फिर आके वहीं डस के खून चूस रहा है, तो काम भी करना है। तो उसने अभी बेटा वैसे ही बैठा है, चलो उसको ये बोलता हूँ करके, हे बेटा देखो मेरे सर पे एक मच्छर मानो कि सुई चुबा रहा है, वैसा एकदम तकलीफ देके खून चूस रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, जरा उसको हटा देना। तो पुत्र ने देखा, अरे मेरे पिताजी के सर पे जहाँ एक भी बाल नहीं, ऐसे तकलू चिकना सर पे हाँ ऐसा ये मच्छर खून चूस रहा है, अभी इसको तो छोड़ूंगा ही नहीं, कहाँ छोड़ेंगे। फिर बोलते पिताजी थोड़ा रुकिए, हाँ सब्र कीजिए, धैर्य रखिए, मैं इसको अभी ठीक करता हूँ। तो अभी उसके पिताजी भी ठीक है, जो भी करना है जल्दी करो, बहुत तकलीफ हो रहा है, जल्दी हटा दो। वो काम भी कर रहा है और बोल भी रहा है। अभी वो उसके पुत्र, अभी क्या करो, मेरे पिताजी के सर पे इतना बड़ा मच्छर काट के बैठा है, इसको तो छोड़ूंगा ही नहीं, अभी क्या करूँ क्या करूँ, यहाँ वहाँ कुछ ढूंढने लगा। पास में एक कुरादी पड़ा था, लकड़ी चीरने के लिए एक कुरादी, तो उसने सोचा यही कुरादी से यह मच्छर को चीर डालूंगा, फाड़ डालूंगा, मेरे पिताजी के सर पे खून चूसने वाला, इसको तो छोड़ूंगा ही नहीं करके वो कुरादी उठाया, फिर धीरे से पीछे गया और पिताजी को बोलते, पिताजी आप हिलिए मत, वैसे ही रहिए, थोड़ा धैर्य रखिए, मैं इसको मारने वाला हूँ। उसके पिताजी भी, अरे जल्दी करो, बहुत तकलीफ हो रहा है, जल्दी करो, ठीक है हिलना मत। वो धीरे से पीछे गया और कुरादी उठा के ऐसे वो मच्छर को मारा कि मच्छर को तो दो टुकड़ा ही होना था, मगर मच्छर को तो लगा नहीं लगा, उसके पिताजी का सर दो टुकड़े हो गया, वहीं तड़प तड़प के मर गया, मच्छर को मारेंगे करके वहीं अपने पिताजी को मार दिया। अभी पिताजी मरने के बाद फिर पिताजी मर गया करके वो जोर जोर से रो रो के बैठे हैं। और वहीं पे उस समय जो बोधिसत्व व्यापारी यहाँ वहाँ व्यापार करेंगे करके, वहीं लकड़ी का सौदा करेंगे करके वहीं घर पे आके बैठा था, तो वहाँ ये नज़ारा देख के फिर बोधिसत्व व्यापारी मूर्ख मित्र से भी, या जो अपने लोग रहता है ऐसे मूर्ख अपनों से भी शत्रु
पंडित शत्रु ही कल्याणकारी है, ऐसा कहते हुए एक गाथा बोधिसत्व कहते हैं। मूल पाली ग्रंथ में वो गाथा इस तरह आया है, सयो अमितो मतिया उपेतो न त्वेव अमितो मति विपहीनो मकसं बदी संति एलमोगो पुत्तो पितु अपिता उत्तमं गन्ति। सयो अमितो मतिया उपेतो, ये जो बुद्धिवान जो बुद्धिवान शत्रु या जो अमित्र रहता है वो भी अच्छा है, मगर मूर्ख मित्र या मूर्ख अपने लोग अच्छा नहीं है। कितना भी मूर्ख चाहो, कितना भी अच्छा करने की कोशिश करो, वो बुराई कर जाता है। कितना भी उपकार करने की कोशिश करो, वो हानि कर जाता है। इसलिए मूर्ख लोग अपना हो के भी, मित्र हो के भी कुछ काम का नहीं, हानिकारक ही होता है, नुकसानदायक ही रहता है। जैसे यह मूर्ख पुत्र ने अपने पिताजी की कल्याण करेंगे, हाँ वो मच्छर को खत्म ही कर देंगे ताकि मेरे पिताजी को बार 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 दुख तकलीफ न दे पाए, ऐसा कहते हुए अपने पिताजी को ही मार डाला, दो टुकड़े कर डाला। तो ऐसा बोधिसत्व ये गाथा कहते हैं, फिर वो अपने जगह चलता है और वहाँ गांव के लोग भी उसको जो अंत्येष्ट करना है अंत्येष्ट करके वो खत्म कर डालते हैं। फिर महाकारुणिक तथागत बुद्ध यही जातक कथा को कहते हुए कि अभी नहीं, पहले भी मच्छर के कारण अपने ही पिताजी का ऐसे प्राणघात किया है, जान से मारा है, कहते हुए ये जातक कथा सारंश में समापन करते हैं। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, तदा गाथं वत्वा पक्कंतो पंडित वाणिजोपेन अहमेव अहोसिन्ति। ये जातक कथा में जो अंत में गाथा कहते हुए जो अपने जगह पे चले गए, वो पंडित मैं ही हूँ, मतलब बोधिसत्व मैं ही था करके तथागत बुद्ध ये जातक कथा संपन्न करते हैं। जातक कथा इतना ही है कि अपने पिताजी के सर पे जो खून चूस रहे मच्छर को मारेंगे या पिताजी के तकलीफ को खत्म करेंगे करके जो मच्छर को मारना चाहा तो पिताजी का सर ही दो टुकड़ा हो गया। इसलिए मूर्ख लोग कितना भी अच्छा करने की कोशिश करे हानि होता है। इसलिए बुद्ध भी कहते हैं, मूर्ख मित्र से भी पंडित शत्रु ही उत्तम है, क्योंकि पंडित लोग शत्रु होके भी इतना हानि नुकसानी नहीं करता, और मूर्ख लोग अपने होके भी न चाहते हुए भी अच्छा करने की कोशिश में भी वो हानि नुकसान करते करते जाते हैं। ये मूर्ख का एक जातक। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। तम्मं नमामि, तम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।